राइट त्रिभुवन दास पटेल, स्टार्ट करने से पहले श्वेत क्रांति, श्वेत यानी वाइट, क्रांति यानी रिवॉल्यूशन, राइट। प्रणेताओं जिसने प्रेरणा दी, जिसने इंस्पिरेशन दी, राइट। तो वाइट रिवॉल्यूशन के इंस्पिरेशन दो है, राइट। एक है त्रिभुवन दास पटेल और दूसरे हैं वर्गसे कुरियन, राइट। देखते हैं, त्रिभुवन दास पटेल बोले छे के दर रविवारे सवारनी शाळा होय, सौ भाई बंदो तड़ाव पासे हनुमान जीना मंदिरे भेगा थईए, राइट। बोलते हैं कि हर शनिवार को, राइट, सुबह की स्कूल होती है, शाळा यानी स्कूल, सौ यानी सब भाई बंद यानी दोस्त या सब दोस्त और रिश्तेदार तड़ाव पासे, तड़ाव यानी लेक, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, त्यां भेगा थे वहाँ पे जमा होते थे। किशोरावस्था में सहज मौज मजाक करवी, किशोरावस्था यानी यंग एज या टीन एज बोल सकते हैं, राइट, जिसमें 13 से लेके 19 इयर्स तक की एज होती है, उसमें सहज यानी थोड़ी मौज मजाक करने की और आनंद मस्ती में दिवसो पसार करवानू ध्येय होए, जिसमें आनंद मस्ती खुशी में अपने दिन पसार करना, टाइम पास करने का ध्येय यानी एम, बच्चों का एम ही ये होता है कि टाइम पास करें। भेगा मड़ी क्यारेक रेवड़ी खाता के चवाणू झापटता, परंतु एक वक्त नक्की करियो कि बद्धा मित्रों वारा फरती ओछा मा ओछू एक वार तो कोई एक विषय पर कशुक लखवू अने बद्धानी वच्चे वाँचवू, राइट। फिर मिलके भेगा मड़ी ने कभी रेवड़ी खाते थे, कभी चवाणू का चीवड़ा, राइट, चीवड़ा झापटते यानी ठूस लेते थे। लेकिन एक दिन नक्की हुआ कि बद्धा मित्रों सब वारा फरती यानी बारी बारी, राइट, ओछा मा ओछू कम से कम एक विषय पर यानी एक टॉपिक पर कशू कई लखू यानी कुछ लिखने का और बद्धानी बच्चे वाँचवू सबके सामने पढ़ने का।